नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। कैंसर केंद्र का सपना, ग्रामीण विकास, सभी को आवास। इसके संपादक हैं नरेंद्र सिंह तोमर, लेखक हैं ये, इसके वो केंद्रीय कृषि ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं नरेंद्र सिंह तोमर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में के एक गांव में श्रीमती अमरावती अपने छोटे बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। वह अपने गांव में कृषि मजदूर के तौर पर और मनरेगा में काम करने वाली मजदूरी से होने वाली आमदनी से केवल ही अपने घर का खर्च चलाया करती थी। मानसून के दौरान गुजारा करने में होने वाली कठिनाइयाँ यथा झोपड़ी में बारिश के कारण पानी टपकने और ईंधन की लकड़ी सूखी बनाए रखने से लेकर बच्चों की बीमारी से निपटने और इन सब की व्यवस्था करते हुए काम के अवसर खो देना उसकी नीति सी बन गई थी। अमरावती के लिए अपने पूरे जीवन में इस तरह की कठिनाइयों के बीच गरिमापूर्ण जीवन बिताना कल्पना से बाहर की बात थी। वह कहानी अकेले अमरावती की नहीं है, ऐसे कई परिवार हैं जिनके लिए मकान में गरिमापूर्ण जीवन जीने का सपना भी दुर्लभ था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी नेतृत्व में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती अमरावती के जैसे 87 लाख से अधिक परिवार जरूरी सुविधाओं से युक्त आवास पाकर आज गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं। अब इससे आगे के सुनहरे जीवन की तरफ अग्रसर हैं। यह सब प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन से संभव हो पाया है। भारत को गरीबी मुक्त बनाने और अपने गांव में रह रहे सभी वंचितों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के सपने के साथ हम वर्ष 2022 तक एक नए भारत की अपनी परिकल्पना में सभी ग्रामीण ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्त बनाने के मार्ग पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस परिकल्पना के साथ हम इस यात्रा के प्रमुख मील के पत्थर के तौर पर सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम जानते हैं कि शौचालय, एलपीजी सिलेंडर के साथ गैस कनेक्शन, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्के मकान की उपलब्धता गरिमापूर्ण जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे दृष्टि में रखते हुए तत्कालीन आवासीय कार्यक्रम इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन कर उसे 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वरूप दिया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में आगरा से इसका शुभारंभ 20 नवंबर 2016 को किया। इस कार्यक्रम का तत्कालिक उद्देश्य वर्ष 2016-17 से 2018-19 के बीच पहले चरण के अंतर्गत 1 करोड़ मकान का निर्माण करना था। बाकी 1,95,00,000 मकानों को दूसरे चरण के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 21-22 के बीच पूरा करने का लक्ष्य है। मुझे प्रसन्नता है कि सभी राज्य सरकारों की भागीदारी से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत अब तक 87 लाख से ज़्यादा आवासों का निर्माण पूरा कर लिया है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने पूर्ववर्ती आवास योजना के 40 लाख से अधिक से ज़्यादा आवासों को भी अप्रैल 2016 से अब तक पूरा किया है। वर्ष 2019-20 में 60 लाख परिवारों को उनके मकानों के निर्माण में सहायता देने की योजना है। इनमें से अभी तक 36.70 लाख परिवारों को मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं। हम इस बात को महत्व देते हैं कि पानी, गैस, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान का होना किसी भी परिवार का आत्मसम्मान बढ़ाता है।
क्योंकि इससे उस परिवार को दिन प्रतिदिन की चिंताओं से मुक्ति मिल जाती और वह ज़्यादा समय आर्थिक गतिविधियों के लिए निकाल पाता है। परिणाम स्वरूप उस परिवार को और अधिक आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। नवनिर्मित मकानों से लोगों के जीवन की चिंता से मुक्त में भी सुधार आता है। आवास को एक केंद्रीय इकाई मानते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम ये मूलभूत सुविधाएं भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ तालमेल के जरिए उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार ने आवास विहीनता के मानदंडों पर आधारित सामाजिक जातिगत जनगणना 2011 के जरिए लाभार्थियों की पहचान करने का निर्णय लिया और इसके बाद ग्राम सभा स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के चयन और स्थायी प्रतीक्षा सूची में पूर्ववर्ती क्रम के अनुसार मकानों के आवंटन में पारदर्शिता लाने में मदद मिली है। हम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में धनराशि के सीधे अंतरण द्वारा बीच में निधियों की लीकेज रोक पाने में सफल हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना में निगरानी प्रक्रिया साक्ष्य आधारित है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल प्रत्येक राज्य संघ शासित प्रदेश में एकल नोडल खाता खोलने और संचालित करने की भी रही है। पहले की ग्रामीण आवास योजना में राज्य जिला ब्लॉक और उप ब्लॉक के स्तर पर भिन्न खाते हुआ करते थे। उनमें अनावश्यक रूप से निधियां पड़ी रहती थी। इससे पात्र लाभार्थियों को फंड जारी नहीं हो पाते थे क्योंकि वे किसी अन्य खाते में पड़े होते थे। नतीजतन मकानों के निर्माण में विलंब होता था। एकल नोडल नोडल खाता प्रणाली से इस समस्या का समाधान हो गया और इस खाते से राज्य के किसी भी हिस्से में लाभार्थी के खाते में धनराशि सीधे भेजी जा सकती है। इससे आवश्यकता के समय धनराशि का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित हुआ है और मकानों के निर्माण में तेजी आई है। मेरे मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत न केवल राजमिस्त्री से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है बल्कि वायर वेंडिंग और शटरिंग इत्यादि का काम भी सिखाया जाता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से इन प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार मिलने के अवसर भी बढ़े। इस कार्यक्रम के तहत 90,064 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया और 53,370 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित एवं प्रमाणित भी किया जा रहा है चुका है। प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से मकानों का निर्माण पूरा करने में लगने वाले दिनों की औसत संख्या भी घटी है। वर्ष 2015-16 में किसी मकान का निर्माण पूरा होने में औसतन 314 दिन लगते थे, जो वर्ष 2017-18 में घटकर 114 दिन रह गए। इससे वार्षिक आधार पर पूरे दिन पूरे किए जाने वाले मकानों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो चलिए दोस्तों, ये सभी विचार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के थे।